अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल कन्वर्सेशन की तरफ से एक बार फिर नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। मोहम्मद बिलाल मेरा नाम है और आज जो फ़ोन हम अनबॉक्स करने वाले हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में सस्ता तरीन फ़ोन है और शायद अपने प्राइस की वजह से वो बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। और जो ये फ़ोन है वो डीकोड का सिग्नल 3 लाइट है, पाकिस्तानी ब्रांड है ये और पाकिस्तानी ब्रांड का ये फ़ोन है। बॉक्स मेरे हाथ में है और जो फ़ोन मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मिंट ग्रीन, अगेन मिंट ग्रीन, मिंट ग्रीन और ये फिर मिंट ग्रीन का फ़ोन है। आजकल सारी सारे ब्रांड्स जो हैं वो मिंट ग्रीन पे उनका बहुत ज़्यादा जोर है और वो तकरीबन हर फोन का यही नया कलर आ रहा है। तो वैसे इसके अंदर चार कलर हैं, ब्लैक कलर इसके अंदर है, ब्लू कलर इसके अंदर है और पर्पल कलर इसके अंदर है, लेकिन जो हमारे हाथ में फ़ोन है वो ग्रीन कलर में इसलिए अनबॉक्स कर रहा हूँ, शायद कि अभी पाकिस्तान में किसी ने अनबॉक्सिंग की ग्रीन कलर की वीडियो नहीं डाली है, सारे कलर्स जो है वो दिखा दिए गए हैं। और इस वीडियोस के जो है, इस फ़ोन के जो है हमने शॉर्ट्स भी बना के डाले हैं जो अलग अलग कलर्स में, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका और आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन इतना ज़्यादा सेल क्यों हो रहा है और इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, क्योंकि हमने ये फ़ोन बहुत ज़्यादा सेल किया है तो मैं इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बताऊँगा। अगर वो प्रॉब्लम्स कंपनी जो है वो सॉल्व कर लेती है तो मुझे लगता है कि ये शायद डीकोड का पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फ़ोन बन जाए। फ़ोन का जो लुक है वो आईफोन की तरह है, 3 कैमरे इसके बैक पे दिए गए हैं। तो इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर मज़ीद इसके बारे में बताता हूँ, इसके प्राइस भी बताता हूँ और बताता हूँ कि ये फ़ोन इतना ज़्यादा सेल क्यों रहा है। तो आए इसे तो व्यूअर्स के बारे में फिर बता देता हूँ अपने देखने वालों को, ये मिंट ग्रीन कलर का फ़ोन है और ये डीकोड कंपनी का फ़ोन है और ये पाकिस्तानी मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। और इस फ़ोन का जो मॉडल है वो डीकोड सिग्नल 3 लाइट है, 4GB और 64GB वाला ये वेरिएंट है और 3GB इसके अंदर एक्सटेंडेड रैम दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑक्टा कोर इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है और ये चार कलर आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दिए गए हैं। 6.5 इंच का डिस्प्ले है और 5000mAh की बैटरी है। 13 MP का इसका रियर कैमरा दिया गया है और 5 MP का इसका फ्रंट कैमरा है। टाइप सी टू USB इसकी चार्जिंग केबल है और 64GB के साथ साथ आप इसकी जो मेमोरी है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि ये जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं किसी प्रमोशन किसी फ़ोन के, ओ काफ़ी अच्छा कलर लगा मुझे इनका मिंट ग्रीन जो है, काफ़ी डिफरेंट कलर है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये फ़ोन की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये किसी प्रमोशन के लिए या ये किसी कंपनी के लिए नहीं बना रहा, ना इसके मुझे कोई पैसे मिले हैं वीडियो बनाने के, ना ही ये फ़ोन जो है कोई प्रमो ये वीडियो है कोई प्रमोशन वीडियो है। तो मिंट ग्रीन कलर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है, ज़्यादा वेट नहीं है फ़ोन का और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी मुझे जो है वो अच्छी लग रही है। ट्रिपल रियर कैमरा, 3 रियर कैमरा दिए गए हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और यहाँ पे छोटा सा एक फ्लैश लाइट दिया गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर लॉक जो है इसका साइड पे है। स्पीकर और टाइप सी केबल और 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। ये इसकी सिम की जो जैकेट है, सिम लगाने की जगह है और ये इसका वारंटी कार्ड इसके साथ दिया गया है। फ़ोन को मैंने ऑन कर लिया है, साथ साथ मैं आपको उसके फ़ोन के बारे में बताता रहता हूँ और साथ साथ जो है इसकी एसेसरीज के साथ जो है वो चार्जर दिया गया है। जो है ये जो चार्जर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये फास्ट चार्जर नहीं है, नॉर्मल चार्जर है और हैंड्स फ्री है और जो है वो USB टू टाइप सी वाली केबल इस फ़ोन के अंदर दी गई है। फ़ोन को साथ साथ एक्टिव करते हैं और साथ साथ बताता हूँ कि इसके प्राइस क्या है। इसके जो पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस दिए गए हैं वो 22,500 हैं, लेकिन जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उनको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इस फ़ोन में मिल सकता है। फ़ोन जो है वो ऑन हो गया, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फ़ोन की स्पीड जो है मेरे हिसाब से इतने पैसों में फ़ोन जज करता है, स्पीड बेहतर है और टच भी काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है मुझे। स्क्रीन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर लग रही है। इसका जो कैमरा है, कैमरा टेस्ट करते हैं, कैमरे से कुछ पिक्चर्स लेते हैं और जो अभी आप स्क्रीन पे शायद देख सकें कैमरा, जो कैमरा काफ़ी टाइम के बाद खुला है कैमरा, लेकिन जो इस फ़ोन के प्राइस है आप कैमरे के रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं कुछ पिक्चर्स लेता हूँ और पिक्चर्स में फिर आपसे शेयर करता हूँ, आप खुद जो है कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा और इसका जो रिज़ल्ट है कैमरे का वो कैसा लगा। तो व्यूअर्स मैं बता रहा था कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको एंड्रॉयड 13 मिल रहा है और जो है 5000mAh की बड़ी बैटरी आपको मिल रही है जो कि टाइप सी चार्जर के साथ है। फास्ट चार्जर नहीं है लेकिन फिर भी नॉर्मल चार्जर से काफ़ी बेहतर है
और इसके रिजल्ट ने, मैं काफी देर इस फोन को चला के चेक किया, इसके जो रिजल्ट है उसने मुझे काफी इंप्रेस किया है, जो कैमरे के रिजल्ट है। मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स भी लिए हैं और जो है कुछ अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये इसके कैमरे से ली गई पिक्चर है, और ये जो है वो लाइट में ली गई पिक्चर है, लाइट जो है काफी लाइट में ये पिक्चर ली गई है, लेकिन इसका रिजल्ट 13 मेगापिक्सल के हिसाब से बहुत इंप्रेसिव रिजल्ट है। और ये पोर्ट्रेट में भी कुछ पिक्चर्स ली गई हैं, तो ये पोर्ट्रेट मोड आप इसका देख सकते हैं, ये पोर्ट्रेट कैमरे से ये पिक्चर ली गई है। तो जिन जिन लोगों ने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, काइंडली वो लाइक करें, और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग कम प्राइस में, 22,000 रुपये के प्राइस में, 22,500 रुपये के प्राइस में, 22,500 के प्राइस में काफ़ी अच्छा फ़ोन लेना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस प्राइस रेंज में, जो कि 5,000 mAh बैटरी है, 4GB+3GB एक्सटेंडेड रैम है, 64GB मेमोरी है, और 6.5 इंच का इसका काफ़ी लार्ज डिस्प्ले है, और टाइप सी की चार्जिंग है, और एंड्रॉयड 13 आपको गाइज इसके अंदर मिलता है। तो मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड करता हूँ, ये फ़ोन बिल्कुल लेना चाहिए, जो कम प्राइस में और जो बेसिक यूज़ करने वाले हैं फ़ोन को, उनको कैमरा अच्छा मिल जाता है, उनको फ़ोन का लुक काफ़ी कूल मिल जाता है, काफ़ी कूल कलर मिल जाता है उनको। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नई वीडियो का इंतज़ार करें, और जो हमारी वीडियोज़ हैं वो आपने ज़रूर लाइक और शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।